चल रहा ट्रेन आई। अरे हाँ सॉरी मैं पटरी पे चल रहा था, ट्रेन आ जाती थी तो कभी जाता हूँ। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, निखिल को हमको उसमें नहीं बैठाना था, इसमें बैठाना था निखिल को। फालतू में हमारे साथ बड़ा फील कर रहा है यार। इस गेट से जाने का है, इस गेट से जाने का अंदर, उस गेट से जाते ना अंदर। हेलो जीजू, यहाँ से अंदर जाने का है, वहाँ से नहीं जाते। दो तीन जगह है जहाँ से भी तो वो थोड़ा लुक में बढ़िया था, ऐसे थंबनेल डालते ना इसके साथ में तो मजा आती, पर अभी क्या ही कर सकते हैं। 30 रुपीज पर पर्सन, 40-80। हाँ यार 40-80 क्या, 4 टिकट। अब तो अपना हो गया, दे दो भाई। हमारी टिकट कट होगी या चेकिंग होगी, जो भी है चेक हो रही है। तीन चार नहीं है, चार क्यों ले दी, चार ना पा ला ना एक बार। वहाँ खड़े रहो टिकट लेके, वो आए बाद में मेरे को दे। ठीक है, नहीं इसमें नहीं घूमने का, अपने को पैदल घूमने का। पहले मैं बैठ के मैं परेशान हो गया, अब इसमें और घूमू। कहाँ गया वो, वो गया कहाँ है? आजा आजा अंदर, तो ऐसे ये पाँव रहेगा अंदर। लो सर, अब हो गया भाई अपना काम, क्या कर सकते बीस जा इसको वो दे क्या उसको, अब ये वापस कहाँ दे के आएगा। देगा 20 रुपये की, कह लो भाई 20 रुपये की बात दे दे उसको। हाँ जाओ दे क्या, जाओ जल्दी आ जा वापस। देगा वो नहीं देखा तो उसको उठा देंगे यहाँ से, रात को बाहर तो निकले ना काफी से, बाहर बाहर उसको मिलेंगे हम, 20 के 20,000 ले लेंगे, टेंशन नहीं। लोन भाई ये साथ में, लोन भाई पूरे अहमदाबाद में हमको कोई टच नहीं करता, हमारे साथ में हमने देखो ऐसे बॉडीगार्ड रखा हुआ है भाई। कोइंसिडेंस देखो, दो शेर अपने भाइयों से मिलने आए, जो अंदर शेर है और इनके भाई भी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे अंदर, डोंट वरी। और मेरे भाई भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मैंने आपको सही बताया ना, इसको उस हमारे साथ में नहीं बैठाना, उस ट्रेन में छोटे वाले में बैठाना था। क्या लेके आया, पॉपकॉर्न, और कह रहा अकेले दोनों खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा, तुम्हारा खाना तो लेके आ जाओ। और भाई क्या कर रहा है यार, इतना ख़राब बंदा है, मेरे वीडियो में ये चल रहा है बंदा आजकल। हाँ बस ये बात सच्ची है, टाइम हो रहा है देखो। हाँ हिंदी की अब अभी तक तो हमने सर मारवाड़ी वाली ऑडियंस है, तब तक तो ऑडियंस कैसे सर भाई लोग हैं, तो मारवाड़ी चलेगी थोड़ी बहुत, तो बाद में इम्प्रूव करेंगे, इनको थोड़ा सिखाएंगे हिंदी, मेरी भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी है तो देख लो, इनकी गुजराती एक्सेंट आ रही है, मेरी थोड़ी मारवाड़ी एक्सेंट आ रही है, इसको तो पूरी मारवाड़ी आ रही है। भाई मेरे को लगी क्या, वो पानी की बोतल लेने गया, और ये बंदा जो हमारी पानी की बोतल नहीं है उसको हमारे सामने ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। यार प्यास लग रही है, मत कर ऐसे भाई मेरे। आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा बेटे, बहुत ही जल्दी आएगा, जब वहाँ पे मेरे भाई के साथ तू फोटो खिंचाएगा ना तब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, फिर मैं कहूँगा बेटे ना ना कर ऐसा जुल्म। और एक और चीज़ दिखा, तो जब अंग्रेजों ने यहाँ पे राज करा था ना इंडिया पे, जब ऐसी ऐसी गाड़ियाँ सारी ये छोड़ के गए थे यहाँ पे, तब से हमने ये जू में घूमने के लिए यहाँ पे रखी हुई है। हाँ गुजरात वालों ने, मोदी जी ने सारी जब्त कर ली यहाँ पे और सारी ये रख दी है यहाँ पे। इसमें वो कौन सी क्वीन थी जो मुंबई गेट से अंदर आई थी, वो उसके लिए गाड़ी बनवाई गई थी स्पेशल। देखो जोवानी शुरुआत आ बाजू थी करो, इतनी गुजराती मेरे को भी आती है, समझ रहे हो। हाथी राजा आ गया, देखो हाथी राजा तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, वहाँ कोने में खड़े वो देखो, ठीक है। और अभी देखो मैं आपको वाइट लॉन्च, वाइट से नहीं सर बाघ, मैं आपको वाइट बाघ दिखाता हूँ। जिंदा है क्या कॉपी, अच्छा ये सच में जिंदा ही है, ये सच में जिंदा है, देखो यार मेरे को लगा मैंने कॉपी है। अब देखो वाइट बाघ, बंगाल टाइगर वाइट कलर का। अब देखो हाँ जो मैं कह रहा था, मैं मेरे भाई से मिलाऊंगा, ये मेरा भाई है, ये मैं देखा मेरा भाई, यहाँ पे मेरा भाई बैठा और यहाँ पे मैं, इसके भाई भी दिखाऊंगा आपको अगर मेरे को, ये देखो मेरे बाद में देखा वाइट टाइगर। तो मैं कब से क्या बोल रहा हूँ,
वीडियो में भाई टाइगर टाइगर मैं तो बाघ बोल रहा हूँ वाइट वाइट बाघ बच्चा कर रहा था पता नहीं जो भी एग्जिट कर लेना अभी हाँ बाघ है तो बाघ ही है मतलब ये सीन है इन लोगों को सुना ही नहीं देता है देख भी नहीं सकते अपने सामने मेरी इंग्लिश है क्या घूमता है रे पड़े अभी बैठ गया वहाँ भल्लू के पास आ गया वो वहाँ बैठा है अगर आपको दिख रहा है तो इससे ज्यादा जूम नहीं होगा रुको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ चलो वही देख लो ब्लैक ब्लैक यहाँ पे बैठा है ठीक है आप वो देख लो यहाँ पे ये छोटे-छोटे पक्षी है क्या राजा के पास गए हाँ ये तो जाते रहते हैं ये ऐसा काइंड ऑफ यार जूम नहीं हो रहा अच्छा हो गया ना ऐसा देखो हाथी फरेन ले बैठा इनको देख के एक चीज लग रही है यार कि पता है इनके साथ देखो कितना गंदा होता होगा ये पूरे जंगल में खुले में घूमने वाले बंदे को बस इतना से केज के अंदर बंद कर रखा है यार कितना बुरा लगता है इनके लिए और ये भी सही है पर एक बार इनको ऐसे डायरेक्ट रख भी नहीं सकते यहाँ पर इनमें कुछ प्रॉब्लम होती है कुछ बीमारियाँ होती हैं इनको कुछ बीमारियाँ होती है लगी हुई होती है खुद से शिकार करके नहीं खा सकते इसलिए इनको जू में ला कर रखते ताकि ये इनको सर्वाइव नहीं करना पड़े मैंने जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ये देखो मतलब जो भी समझ जाओ और यहाँ पर है अभी हिरन ये देखो बहुत सारे हिरन है इसके अंदर इससे ज़्यादा हिरन का तो क्या ही दिखाऊंगा मतलब मैं अजमेर हूँ अजमेर से बहुत वहाँ तो खुले घूमते हैं अजमेर जाएंगे तब आपको दिखाएंगे चलो आगे हेलो चलो देखा 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 मैंने देखा चलो स्टोर डाल यहाँ पे क्या पता क्या है अच्छा यहाँ पे चतुर्मुर्ग है दिख रहा होगा वो वहाँ पे चतुर्मुर्ग है ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं अभी बैटरी भी कम है और मेरे को बाद में एडिट करने के लिए भी तय रहेगा घर पर भी जाना है तो सब कुछ करना है इंस्टा के लिए भी स्टोरी डालनी है तो मैं सब अभी ज़्यादा लंबा नहीं दिखाऊंगा अब इसके बारे में मैं वहाँ पे पढ़ने की ट्राई कर रहा था एक्सप्लेन कर रहे थे पर मेरे को समझ में नहीं आया अब समझ में नहीं आया जो चीज़ अपने को समझ में नहीं आया उसके बारे में मतावजी करने की नहीं है और यहाँ पे समझिंग क्या है बड़ा हिरन नील गाय दीजिए कोल्ड नील का अच्छा ये बड़े हिरन होंगे और ये नील गाय यहाँ पे ये भी नील गाय अच्छा हाँ ये भी नील गाय सॉरी दिमाग से निकल गया ये नील का है इसको नील का कहता है पर ये बंदा कहता है इसमें नीला तो कुछ है ही नहीं लो तुम्हें क्या समझ आ मां आओ आओ पॉपकॉर्न जे तुम्हें खाओ जे पॉपकॉर्न पानी वाणी नाको ऊपर मैंने मेरे को पिला दो पानी हां जानवर को नहीं देना खाने का नहीं देना नहीं नहीं खाने का नहीं देते अंदर आ जाओ जाओ कैसे जाओ भाई हाँ शायद जू में जाता था अंदर मना होता है कि आप जानवरों को खाने का नहीं दे सकते और कई कई पहला होता है अब यहाँ का पता नहीं उससे पहले कुछ करना नहीं चाहिए गार्ड कुछ बोले हमको गुस्सा आवे हम भी कुछ बोले कंट्रोवर्सी हो जाए इससे अच्छा ऐसा कुछ करना ही नहीं है बहुत सारी नील गाय यार अंदर और कौवे भी है क्रो हाँ अच्छा ऐसा है क्या अच्छा जो आपने बोला ना वो रिकॉर्ड हुआ नहीं अभी तक अंदर अच्छा तो जाना दो एक बार फिर से बोल दो नहीं नहीं अब जाना दो कैंसिल अच्छा ठीक है कैंसिल कर दो ठीक है मैंने इन्होंने बोला उसके बाद मैंने वीडियो ऑन करी है समझ गया समझदार तो आप हो ही यार क्या निखिल का आवाज़ नहीं आ रही निखिल सुन निखिल सुन नहीं रहता है निखिल का आवाज़ नहीं आएगा आपको निखिल निखिल के मजे साल जगह नील गाय आधा पाँच तो उन्होंने नील गाय को ही दे दिया है देखो यहाँ पे भी नील गाय सारी नील गाय यहाँ पे भी नील गाय लो वो लड़ने के लिए अच्छा अपने यहाँ से आए थे राइट अच्छा अपने हाँ यहाँ से आए ऐसे घूम के ऐसा है ये पूरा एरिया जो नीलगाय के लिए था इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं था समझ गए कभी कभी ना मैं बोल देता उसके बाद मेरे को समझ में आता है क्या अच्छा मैं गलत बोल रहा था यहाँ पे कुछ होना चाहिए पर है अच्छा वो चतुर्मुर्ग है ना यहाँ पे इसके अंदर टाइगर है पर अंदर बैठा है शायद या नहीं भी है टाइगर नहीं इसके अंदर पैंथर है
इस वाले के अंदर, पर शायद मेरे को समझ में नहीं आ रहा है या नहीं है। और क्या पता फोटो लगा रखी है, लॉक है इसका मतलब नहीं होएगा, हो भी सकता है तो सारे खाली दिख रहे थे, क्या पता नहीं होएगा। अच्छा भाई सब में बैठे हैं, ये कोई यहाँ पे भी बैठा है अगर आपको दिख रहा होगा तो। अरे यार दिख नहीं रहा, हाथ था मेरा आगे, वो देखो दिख रहा है इसके मतलब सब में है पर अंदर जाके बैठा है, ये उस साइड से दिखेगा। अब वापस यहाँ पे आ गए और अब मेरा रियल भाई देखो आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा भाई बेटा पप्पू शेर। यहाँ इस जू में दो बब्बर शेर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, समझ लो। अब यहाँ पे आपको फीमेल दिखेगी नहीं, वो शायद ऊपर बैठी है इस अंदर में, वहाँ पे बैठी है पर इससे दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। और ये तो आप देख ही सकते हो, मैं वहाँ पर चला गया था तो मैं वापस यहाँ पर आया था कि इसमें हिप्पो है किसी ने बताया करके, तो इसमें काम चल रहा है उसको अंदर बंद कर दिया है तो वैसे दिखना है नहीं, तो वापस जा रहा हूँ। और कभी किसी ना किसी व्लॉग में हिप्पो के साथ ऐसे जंगल में बैठ के ऐसे गले में हाथ डाल के आपको बताएंगे हिप्पो का कैसा होता है, हिप्पो कैसा होता है क्या पता भाई, हिप्पो कैसा होता है। इस वाले एरिया में बहुत सारे टोटोज है, खाली पड़ा है तो घड़ियाल, देखो इसको कहते हैं घड़ियाल, घड़ियाल वो बैठा वहाँ पे है अगर आपको दिख रहा होगा तो पानी के बीच में, जो मगरमच्छ में आपको जो बाद में बहुत दिखा दूंगा, घड़ियाल रेयर है तो आप ये देख सकते हो। पहले राजा महाराजाओं के टाइम ना इसके दांतों से भी बहुत हमले कर देते हैं, इसकी पूरी नीचे वाली और ऊपर वाली निकाल के इनको युद्ध में काम लेते थे, देख सकते हो। ये ऐसा कुछ है इनका सीन, इनकी बंदकी कम से कम बहुत लंबी होती, तलवारों का काम करती थी पहले। चलो ये रे मगरमच्छ, मगरमच्छ आप मेरे इंस्टा स्टोरी इंस्टाग्राम देखोगे उसमें भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। पर आपको दिखाओ कि अच्छा आप दिखे, देखो देख लो ये बेटा, देखो ये रे इधर मैं आपको बहुत सारे दिखा देता हूँ जो बाहर बैठे हैं, पर इसमें भी जालियाँ ऐसी लगा दी, ये वाली खाली यही लगा दी होती ना तो काफ़ी थी, पर लोगों में चूल रहती है ना अंदर जाने की, इसलिए ये देखो एक और एक इधर है यहाँ पे। पर मगरमच्छों को देख के इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये तो हमने बहुत बहुत देखे में कितने सारे हैं, और यहाँ पर टर्टल्स। और आपको एक और चीज़, जो ये पानी में रहने वाले थे ना इनको कहते हैं टर्टल्स, और जो ज़मीन पे चलते हैं ना उसको कहते हैं टॉर्टोइज, जो अपने घर पे रखते हैं कछुए, इसका ध्यान रख लेना। और यहाँ पे वाटर ये देखो ये क्या है अंदर को, इसको कहते क्या पता नहीं है मेरे को भी, ये देख ला ये वाला है, बस हो गया समझ लिया, जितना देख लिया उतना काफ़ी हमने। अभी बैटरी हमारी है नहीं तो अब हम सीधा रेप्टाइल्स देखेंगे। अब अच्छा इसके अंदर है नीचे वाले में, अच्छा इसके अंडरग्राउंड में सांप है, अगर सांप वगैरह बहुत रेप्टाइल्स वगैरह जानवर है तो अब मैं आपको वो दिखाऊंगा। आ गया हम शायद रेप्टाइल्स वाले में, अब ये ड्राइनो प्रिया, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है तो अभी यहाँ पे है ये टॉर्टोइज, इसको कहते हैं टॉर्टोइज कि जो बड़े होते हैं ज़मीन पे घूमते हैं, समझ गए, और इसको गो गो कहते हैं भाई अपने लैंग्वेज में, बाकी अभी जो भी है देख लो ये वाला यहाँ पे बहुत ही पतला वाला यहाँ पे ये वाला है, वन चुंदरी जो भी अपने ये इंडिया का सांप है, इंडियन का इंडिया में सबसे जहरीला सांप जो होता है ये वो वहाँ पे ऐसा होता है, देख लो यहाँ पे भी कोने में पड़े, सारे के सारे कोने में पड़े, ये देखो और ये रहा, और ये कोबरा,
इसमें कोबरा, कोबरा भी सबसे जहरीला सांप होता है। और सारी लैंग्वेज में लिखा हुआ कौन से भी नाजा नाजा और ये सब कहते हैं जो इसमें लिखा हुआ नाजा नाजा ना जाना जनी ना जाना जमा जना जमी तो ना तो वहाँ पे बहुत सारे सांप है। ये एक ब्लैक कलर का यहाँ पे सो रहा क्लियर दिख नहीं रहा है। हाँ और ये स्पेक्टिकल कोबरा ये भी बहुत जहरीला होता है, ये देख सकते हो स्पेक्टिकल कोबरा ये भी बहुत जहरीला होता है। एक वो वहाँ पे अंदर बैठा है वो आपको दिखेगा ही नहीं तो रहने देते हैं। ये वाला सांप आप देख सकते हो ये भी वो शायद वो वाले होगा, ये ग्रीन एनाकोंडा ये इधर बैठा पानी में इतना। ये इंडियन रॉक पाइथन है, ये वाले बिल्कुल जहरीले नहीं होते, ये नॉन वेनिमस होते हैं। बाद में पढ़ लेना आप अपने हिसाब से। पाइथन को ऐसे आप घर पे ऐसे पेट रख सकते हो पाइथन को, और इंडियन वाइल्ड लाइफ वाले नहीं होने चाहिए। एग्जॉटिक पेट अगर रखते हो तो 5-6 हज़ार में ये वाले सांप आपको मिल जाएंगे। ये देखो भाई पूरा ढेर पड़ा यहाँ पे। रसल्स वाइपर ये भी इंडियन रॉक पाइथन है पर ये उसकी छोटी वाली प्रजाति है या आई थिंक बच्चे है शायद। ये देखो ये लिखा हुआ आप देखो नॉन वेनेमस होते मतलब इसको काटने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, मतलब ये नॉन वेनेमस होते आप ऐसे पेट रख सकते हो, पर एग्जॉटिक होने चाहिए जो इंडिया के बाहर के जानवर है वो घर पे पाल सकते हो। ये वाले सांप जो होते हैं ये नॉन वेनेमस। अब कितनी बार बोल दिया, बस ये देखो दिखने में बहुत प्यारे होते हैं और आप इनको ऐसे पेट घर पे रख सकते हो एग्जॉटिक पेट। ये है कॉमन सैंड बोल, ये वाला जो अपने वो कहते हैं क्या कहते हैं उसको कॉमन सैंड बोल यार अपने वहाँ पे इसको अपने यहाँ पे क्या कहते हैं कॉमन सैंड बोल को, दो मुया सांप कहते हैं ना दो मुया वो वाला ये सांप है। पर काफ़ी लोग कहते हैं ये आगे से भी चलता है पीछे से भी चलता है, पर ये ऐसे नहीं होता, इसकी पूंछ जो होती है वो आगे से पीछे से भी इसी प्रकार की होती है ताकि अगर वो जानवर इसको पीछे से भी हमला ना करे और ना आगे से करे। तो जानवर इसके हमेशा सांप को किसी को कोई भी जानवर पीछे से हमला करता है उसके पूछ देखेगा वो कहेगा इसका मुंह इधर है, इसलिए वो इधर से भी हमला नहीं करता इधर से भी हमला नहीं करता। और ये भी नॉन वेनिमस होता है, ये काटता ही नहीं है शायद। नॉन वेनिमस देख सकते हो आप यहाँ पे ये वो पाइथन, और इसको देख सकते हो पाइथन, ये पाइथन ना मेरी हाइट से डबल गुना बड़ा है। ये देखो यहाँ से इतना मोटा ऐसे जा रहा है फिर वापस निकल के ऐसे आ रहा है, ये पाइथन है। और ये देखो चेक दिस आउट कितने लिलू पिलू प्यार है यार, आप इसको बड़े चूहे कह सकते हो। ये चुंदरी मुंदरी तो यहाँ से अपना वीडियो हैंड करते हैं अभी तो आप अपना ध्यान रखना यहीं पे अपना वीडियो हैंड करते हैं। अभी यार मेरे को यार एंडिंग वाला जो सब बड़े बड़े यूट्यूबर जो बाद में बोलते हैं ना नमस्कार जो भी है तो जल्दी जल्दी बोलते, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। और यार मेरे को YouTube के लिए एक अच्छा सा नाम बता दो, हर बार मैं चेंज करता रहता हूँ अपना नाम, मेरे को कोई अच्छा लग ही नहीं रहा। इस बार पहले मेरा विशाल चावड़िया करके था, उससे पहले RJ व्लॉग था, और अभी मैंने वापस चेंज कर दिया तो अभी मेरे को टोटली चेंज करना है। हाँ तो अभी थोड़ा बहुत बाद में अगर बाहर कुछ एक्टिविटी होगी तो दिखाएंगे हम आपको, और इसके अलावा तो बस बंद कर दें यहीं से। और यार कोई अच्छा सा नाम बता दो YouTube के लिए, ये सारे अपना नाम बात कर लें मिलेंगे फिर आपको। फाइनली बैठा हुआ मेट्रो में भाई, मेट्रो में आ गया हूँ भाई मैं अब यहाँ पर आया था, नीचे से निकल रहे थे मेट्रो स्टेशन सामने था तो मैं कहा चलो घूम के आ जाते हैं मेट्रो में, मज़ा आ जाएगी, कभी सफ़र करा नहीं हमने मेट्रो में तो अभी घूम के आ जाएंगे मेट्रो में। क्या हुआ क्या अपनी चेकिंग हो गई है? ये वाला रात वाला सीन अगर आपने मेरी स्टोरी देखी हो तो निखिल वहाँ पे फंस गया था यहाँ पे टिकट लगा के जाना पड़ता है, पर देखते हैं वहाँ पे आगे क्या होगा, आने दो उनको वापस। आगे भाई हमने एंट्री ले ली है अंदर, मेट्रो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये दे दिया बस इसके आगे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चों के लिए
वस्त्राल गांव के लिए, मतलब नेक्स्ट स्टेशन वस्त्राल है, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे वहां से घूम के, और हमारा मज़ा भी आ जाएगा, वीडियो भी बन जाएगा, और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी यहां पे हो जाएगा। मेट्रो आ गई मेरे भाई, अपने तो यहाँ से चल लेते अंदर, इधर से आ जाओ, इधर से। हाँ खूब मिल वस्त्राल कहाँ पे गया? अच्छा ये यहाँ क्या वस्त्राल खुल जा सिम सिम हम बैठ गए और ये आ गया एक और गेंद, बस यहाँ से करते खुल जा सिम सिम खुल गए, बस आप यहाँ से करते हैप्पी एंडिंग, टाटा बाय बाय।